मेणबत्ती व्यापाराला 3 कोटीची खंडणी मागितल्याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून तांत्रिक तपास करून गणेशपेठ पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. आरोपीचे नाव महेंद्र पराते 28 वर्ष, 5 पावली व खुशाल सदावर्ते 26 वर्ष अशी सांगण्यात येत आहे. गणेशपेठ परिसरात राहणारे संतोष अग्रवाल वय 62 वर्ष यांचा तहसील ठाण्याअंतर्गत मेणबत्तीचा व्यवसाय आहे. आरोपींनी 2 जानेवारीला अग्रवाल यांना फोन करून 3 कोटीची मागणी केली होती. पैसे न दिल्यास त्यांना व त्यांच्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. आरोपी धमकी देऊन फोन कट करीत होते, त्यामुळे आरोपी कोण, कुठले आणि कशासाठी खंडणी मागताय यासंबंधी फिर्यादीला काहीच कळत नव्हते. भयभीत झालेल्या अग्रवालने गणेशपेठ पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून दोघांना अटक केली आहे. गणेशपेठ पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक व्यापारी है संतोष अग्रवाल नाम के, उनको और उनके बेटे को 2 जनवरी को एक खंडनी के लिए कॉल आया था कि 3 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा. तो 2 तारीख को उनको 2-3 कॉल्स आए थे, उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी थी. तो हमने एक्सटॉर्शन का गुनाह दाखिल किया था गणेशपेठ पुलिस स्टेशन में, और जिस मोबाइल से उनको खंडनी के लिए फ़ोन आया था उसकी हम जांच कर रहे थे, उनका CDR और बाकी डिटेल्स हम चेक कर रहे थे. उसी बीच 6 तारीख को उनको फिर से उसी नंबर से फ़ोन आया खंडनी के लिए कि पैसे कब दे लो, और हमारी टीम उसमें जांच कर रही थी. जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उसका हमने रिचार्ज हिस्ट्री चेक किया तो पता चला कि रिसेंटली उन्होंने एक शॉप से रिचार्ज किया है. तो उस रिचार्ज शॉप का हमने जब फुटेज चेक किया तो उस टाइम पर एक एक्टिवा गाड़ी वहाँ पर हमें आती हुई दिखाई दी वहाँ पर रिचार्ज के लिए. तो उस एक्टिव गाड़ी को हमने CCTV कैमराज में ट्रेस किया तो उसका एक इनिशियल नंबर हमें मिला था. तो उस नंबर पे हमने वर्कआउट किया तो एक आरोपी ताबे में लिया गया था, उसका नाम महिंद्रा पराते, 5 पावड़ी एरिया का रहने वाला है. तो उसको ताबे में लेने के बाद उसने ये क्राइम कबूला तो कि उसने कॉल किया था, और उसका एक दूसरा साथी खुशाल सदावर्ते वो भी इसमें शामिल था. तो ये स्टोरी यही थी कि खुशाल सदावर्ते जो था वो संतोष अग्रवाल के जो शॉप था उसमें कई बार जाता था माल लेने के लिए, मोमबत्ती के व्यापारी संतोष अग्रवाल. तो उसी बीच इसको उनके सांपत्तिक स्थिति के बारे में उनको जानकारी हुई थी. तो फिर खुशाल सदावर्ती ने अपने साथी महेंद्र पारते के साथ उनको एक्सटॉर्शन करने का प्लान बनाया था इसमें.